कि अल्लाह के घर की हिफाजत करते करते शहीद हो गए। दोस्तों आप ये बात याद रखिए, चारों की भी जिम्मेदारी इंशाल्लाह हमारी। अब हम उनके परिवार का जरिया बन सकते हैं, उनके परिवार के लिए हमें साथ आना पड़ेगा। सलमान खान HYC, सैयद अयूब HYC और कैफ 6786। इंस्टाग्राम पर इन तीनों अकाउंट से मार्मिक वीडियो पोस्ट कर संभल हिंसा के शिकार लोगों की मदद के लिए चंदा मांगा जा रहा है। हिम्मत रखिए, इंशाल्लाह मैं हैदराबाद से आया आपकी तकलीफ। मैं जब से इस घर में आया हूँ ये मासूम सिर्फ वालिद को याद करके रो रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में जो हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, हम इसको देख नहीं सकते। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, मेरे भाई गाजी के लिए, नाम में गाजी है। अब हमारा भी ये काम बनता है कि हम उनके बुरे वक्त में उनके फैमिलीज के साथ खड़े रहे। जो परिवार का सहारा बनना है उनके साथ खड़े होना है, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। आप जो है 100 रुपए में कोई गरीब नहीं हो जाए, कुछ कुछ नहीं हो जाओगे। इन दावों की पड़ताल जब ABP न्यूज के संवाददाता ने की तो प्रभावित परिवारों के QR कोड की जगह निजी संस्थाओं के अकाउंट की डिटेल। संभल में किस तरह से मृतकों के नाम पर चंदा वसूला जा रहा है और अपने बैंक अकाउंटों में डाला जा रहा है उसके कुछ तस्वीर दिखाते हैं। जैसे ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर में ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जो कि संभल में मृतकों के नाम पर पैसे मांग रहा है, सबसे कम से कम 100-100 रुपए मांगने की अपील कर रहा है। अब देखिए, जब इसके QR कोड को जब हम लोग स्कैन करेंगे तो ये आप देखिए, ये हम लोगों ने अब इसके QR कोड को स्कैन करा, नाम आया HYC यूथ करेज। एक और QR कोड दिखाते हैं। ये QR कोड इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये व्यक्ति इस परिवार के मुताबिक इनसे मिला, इनसे इनका QR कोड मांगा और ये कहा कि इनके परिवार का जो QR कोड है बैंक अकाउंट का उसे पोस्ट किया जाएगा। लेकिन क्या QR कोड पोस्ट किया आप भी देखिए, ये देखिए, ये QR कोड को हम लोगों ने स्कैन किया, ह्यूमैनिटी यूथ करेज, जबकि यहाँ पर पूरा माहौल बनाया गया शहीद नईम गाजी और नाम भी नहीं लिखा गया जिससे लोगों को ये लगे कि इसमें तो सीधा पैसा नईम के घर पे जाएगा, लेकिन पैसा कहाँ गया, इनके NGO में। एक और भाई साहब हैं, ये देख लीजिए, इन्होंने भी तीन लोगों की यहाँ पर तस्वीर डाली जिनकी मौत हुई थी और साथ में एक QR कोड डाल दिया और लोगों से अपील की कि इसके अंदर पैसा दें जिससे सारा पैसा उनके परिवार वालों के पास पहुंचे मृतकों के और उनके जो भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई हो। हालत देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी पैसा कहा गया, राह जिंदगी जो कि खुद इस व्यक्ति का NGO है। तो कुछ इस तरह से संभल में ये पूरी चंदे की लूटमारी। लोग के मतलब घरों में आए थे, उन्होंने क्या करा, बच्चों के साथ वीडियो एक पूरी बनाई और उसके ऊपर उन्होंने QR कोड का स्कैनर डाल दिया कि हम ये डाला है जी, डाला है वो कहाँ है, हैदराबाद के, हैदराबाद के हैं। आर्थिक मदद अभी कुछ नहीं, अभी मदद नहीं हुई, हैदराबाद वालों ने डाला था शायद। अभी तो नहीं है कोई, कोई भी माली मदद परिवार की कोई नहीं। आ रहे हैं अपने थोड़े बहुत दे दे के जा रहे हैं मोबाइल में, जैसे बच्चों के हाथ पे रख जाएं। बच्चों के हाथ में बस खाली दे जैसे 150 रुपए ना, 500। अच्छा 500 रुपए का बस। बात सिर्फ नईम के परिवार पर चंदा वसूली की नहीं है, मृतक अयान के परिवार के नाम पर धन उगाही की गई। फोटो सोशल मीडिया के ऊपर डाल डालकर लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं दूर दूर से और ये दावा कर रहे हैं कि ये सारा पैसा परिवार को हमने दे दिया है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं मिला है, एक रुपया भी, और जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और जिन लोगों को भी देना है तो घरान के मदद करें, नहीं तो किसी को ऐसे नहीं दें। हमारा तो यही कहना है, वैसे हमको कोई मदद की गुहार नहीं लगानी है, हमारे भाई जिस चीज़ के लिए शहीद हुआ है हमको मस्जिद मिल जाए हमारी यही बहुत है। बताया जा रहा है कि मदद के नाम पर उगाही करने वाले इन युवकों पर हैदराबाद में लूट के केस दर्ज हैं। चाहे फिलिस्तीन का मौका हो या उसके अलावा कुछ भी ऐसी घटना हो जहां पर अल्पसंख्यक समाज सामने आता है, वहां पर ये लोग वीडियो को प्रसारित करते हैं और उसके बाद चंदा मांगने लगते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के ऊपर कई थानों में हैदराबाद से लेकर हल्द्वानी तक आज भी मुकदमे दर्ज है। इसी साल हल्द्वानी में हुई हिंसा में HYC के सलमान को हल्द्वानी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जानकारी दी थी कि ये लोग भ्रामक पोस्ट डाल रहे हैं, इन्हें डोनेट ना करें। संभल में हुई हिंसा के बाद अब संभल शांति की ओर लगातार बढ़ रहा है, दुकानें भी खुल रही हैं और लोग भी आ जा रहे हैं, लेकिन इस पूरी हिंसा में 4 परिवारों ने अपनों को खोया था।
लेकिन अब इन परिवारों के दुख के सहारे ही राजनेता अपनी रोटी चमका रहे हैं और ये इंस्टाग्राम वाले गिद्ध अपना फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में हमारी आपको यही सलाह है कि किसी भी परिवार की अगर आपको मदद करनी है तो खुद उनके पास जाकर करिए, उनके बैंक अकाउंट में करिए, ना कि इन इंस्टाग्राम वाले गिद्धों को चंदा दीजिए, क्योंकि ये चंदा परिवार के पास कभी नहीं आएगा लेकिन उनकी जेब जरूर बचेगी। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़ संभल।